श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11 हुई घोषित। रोहित शर्मा के साथ यह खिलाड़ी करेगा ओपनिंग, तो ईशान किशन हुआ टीम से बाहर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। भारत और श्रीलंका के बीच आज तीसरा टी20 मुकाबला धर्मशाला में खेला जाना है। तो दोस्तों हम बताएंगे आपको कि यह मुकाबला कितनी बजे शुरू होगा, साथ ही आप इस मुकाबले को किस तरह से लाइव देख सकेंगे, और साथ ही टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या रहेगी, कौन कौन सा खिलाड़ी टीम से बाहर हुआ है, क्योंकि कई युवा खिलाड़ियों को इस मुकाबले में मौका मिलने वाला है। तो पूरी प्लेइंग 11 जानेंगे विस्तार से। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करे तो इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 400 लाइक, तो जल्द से जल्द पूरा करें। तो दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच आज सीरीज का तीसरा व आखिरी टी20 मुकाबला धर्मशाला में खेला जाना है। यह टी20 मुकाबला टीम इंडिया के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मुकाबला जीते ही टीम इंडिया अब तक लगातार सबसे ज्यादा टी20 जीतने वाली टीम की बराबरी कर लेगी, यानी कि संयुक्त रूप से टीम इंडिया अफगानिस्तान के साथ नंबर 1 हो जाएगी सबसे ज्यादा टी20 मुकाबले लगातार जीतने वाली टीमों में से। अब तक टीम इंडिया ने 11 टी20 मुकाबले जीत लिए हैं, जबकि अब 12वां टी20 मुकाबला आज अगर मुकाबला जीतती है तो टीम इंडिया एक नया रिकॉर्ड खड़ा कर देगी। वहीं पर दोस्तों इस सीरीज में भी टीम इंडिया 3-0 से क्लीन स्वीप करने के बिल्कुल करीब है, और मुकाबला जीते ही टीम इंडिया एक और क्लीन स्वीप करने में कामयाब होगी। रोहित शर्मा की कप्तानी में लगातार चौथी टी20 सीरीज को क्लीन स्वीप करने में कामयाब हो जाएगी टीम इंडिया। हम बात करें दूसरे टी20 मुकाबले की, तो भारतीय टीम की तरफ से काफी शानदार बल्लेबाजी रही थी। बल्लेबाजी में टीम इंडिया के युवा खिलाड़ियों के ऊपर जो दमखम था उन्होंने पूरी तरह से निभाया। हम बात करें सरेश अय्यर की, जिन्होंने लगातार दूसरा अर्धशतक जमाया और 44 गेंदों पर 74 रनों की पारी खेली, तो वहीं पर संजू सैमसन ने 25 गेंदों पर 39 रन बनाए। तो इसके अलावा रविंद्र जडेजा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मात्र 18 गेंदों पर 45 रनों की शानदार पारी खेली, जिसके चलते टीम इंडिया ने 17.1 ओवर में विशाल लक्ष्य का पीछा कर लिया। 184 रनों का टारगेट दिया था श्रीलंका ने, लेकिन एक तरफा अंदाज में टीम इंडिया ने जीत हासिल की। भारतीय टीम की गेंदबाजी की हम बात करें तो गेंदबाजी भी ठीक ठाक रही, लेकिन आखिर के ओवरों में कुछ खिलाड़ी महंगे जरूर साबित हुए। भारतीय टीम की तरफ से भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह ने एक एक सफलता प्राप्त की, तो इसके अलावा हर्षल पटेल, यजवेंद्र चहल और रविंद्र जडेजा को भी एक एक सफलता प्राप्त हुई। लेकिन भारतीय टीम की तरफ से जहां जसप्रीत बुमराह ने मात्र 4 ओवर में 24 रन खर्च किए, तो वहीं पर यजवेंद्र चहल ने 4 ओवर में 27 रन ही खर्च किए। इसके अलावा यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 36, तो वहीं पर हर्षल पटेल काफी महंगे साबित हुए, जिन्होंने 4 ओवर में 52 रन दिए, तो वहीं पर रविंद्र जडेजा ने भी 4 ओवर में 37 रन दिए। वहीं पर चले दोस्तों अब हम जानते हैं कि आखिरकार तीसरे टी20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कौन कौन से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं इसके बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले प्लेयर की हम बात करें जो बाहर होंगे इस मुकाबले में, वो है ईशान किशन। ईशान किशन को सिर में चोट लगी थी, जिसके चलते अब वो हमें यह मुकाबला खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। तो वहीं पर दूसरे खिलाड़ी के तौर पर हम बात करें तो यहाँ पर गेंदबाजी में टीम इंडिया में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जहां हमें टीम से बाहर जाते हुए दिखेंगे भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल और हर्षल पटेल। इन तीनों खिलाड़ियों की जगह पर टीम में वापसी करेंगे आवेश खान, साथ ही साथ कुलदीप यादव, और इसके अलावा हमें खेलते हुए नजर आएंगे रवि बिश्नोई, जो कि शानदार परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं टीम इंडिया के लिए। वहीं पर चले दोस्तों अब हम जान लेते हैं टीम इंडिया की पूरी लाइनअप की आखिरकार किस तरह की प्लेइंग 11 टीम इंडिया की नज़र आने वाली है इसके बारे में। तो दोस्तों इस मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से हमें ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे रोहित शर्मा, तो उनके साथ होंगे संजू सैमसन। इन दोनों खिलाड़ियों को यहां पर टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलानी होगी। तो वहीं पर इसके बाद नंबर 3 पर एक बार फिर सरेश अय्यर उतरेंगे, जिनका परफॉर्मेंस काफी शानदार है और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। तो वहीं पर नंबर 4 पर हमें रविंद्र जडेजा खेलते हुए नजर आएंगे, जडेजा का परफॉर्मेंस भी काफी शानदार है। तो वहीं पर नंबर 5 पर हमें दीपक हुड्डा खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि यहाँ पर टी20 के काफी शानदार प्लेयर हैं। तो वहीं पर इसके बाद नंबर 6 पर हमें वेंकटेश अय्यर दिखने वाले हैं, जिन्होंने अब तक टी20 में काफी शानदार परफॉर्मेंस किया, लेकिन इस सीरीज में बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला है, तो उम्मीद है कि यहां पर वो शानदार परफॉर्मेंस करेंगे। तो इसके बाद नंबर 7 पर हमें शार्दुल ठाकुर खेलते हुए नजर आएंगे, तो नंबर 8 पर हमें दिखने वाले हैं जसप्रीत बुमराह। इसके बाद नंबर 9 पर रवि बिश्नोई दिखेंगे, तो नंबर 10 पर कुलदीप यादव और नंबर 11 पर हमें आवेश खान खेलते हुए नजर आने वाले हैं। यानी कि टीम इंडिया कुछ बदलावों के साथ जरूर उतर रही है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस मुकाबले को जीत सीरीज को 3-0 से अपने नाम करेगी। तो दोस्तों क्या लगता है कौन सी टीम इस मुकाबले में जीत दर्ज कर पाएगी, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का।